आत्मा मेरे पीछे कुत्ते पड़े हैं। आदम ने कहा कि मेरे पीछे इतने कुत्ते लगे हैं कि मैं अगर इन्हें भगाने पर उतरूं तो सारी जिंदगी कुत्ते ही भगाते रहूंगा, आगे चलूंगा ही नहीं। आजम खान ने कहा कि भौंकने वाले कुत्ते मेरे पीछे चलते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, उनको वो काम है वो करते रहते हैं, मेरा काम आगे चलना है। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने किसके लिए किया? इस सवाल को वे बड़ी सफाई से टाल गए। आजम ने कहा कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री जी बनाओ, मैं देश चलाकर दिखाऊंगा, मेरे तजुर्बे में, ईमानदारी में, मेरे अपेक्ष में, मेरी शिक्षा में, एजुकेशन में, बस सिवाय यही है कि मैं एक मुसलमान हूँ। अगर उन्हें पीएम बना दिया जाए तो 6 महीने में हर एक नागरिक के खाते में 25-25 लाख रुपए पहुँचा देंगे। 3 तलाक की बातें वे करें जिनकी बीवी हो, आजम साथ रहकर जो छल करे उसे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, और आपके मुंह पर आपकी बुराई बता दे उससे बढ़िया कोई मित्र नहीं होता। ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। सज्जनों, मुझे चाय बनानी आती है और तो और मुझे ड्रम बजाना भी आता है, अब तो मुझे मैं देश का पीएम बना दो। शिवम, मैं शादी शुदा होते हुए तलाक जैसा जीवन भावना करने वालों को तलाक की बात कहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन लाने का सपना दिखाने का वायदा करके वो बादशाह तो बन गए, पर आज भी अधिकांश लोगों के पास कपड़े नहीं, और तो और श्रवण कास्ट भी बारिश की वजह पर आरक्षण की वजह से गरीबी झूल रही है। पीएम ध्यान नहीं दे रहे हैं, जनता की कलम से 60% आबादी को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है। बादशाह की झूठ नहीं बोला, जो बोलता है वह बादशाह होता ही नहीं। रमेश गोदला, सब्सक्राइबर प्रिय मित्रों।